हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप डेली क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो जुड़ सकते हैं हमसे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे 10 AM और 9 PM पर लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज सी होमन्स, पीटर एम्ब्ला, सी वार्सन या जे मिशेल। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पीटर एम्ब्ला से संबंधित है, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। इसमें इन्होंने विनिमय से संबंधित अपनी चर्चा की है। अगला है डेलिक्वेंस एरियाज। डेलिक्वेंस एरियाज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पार्क तथा बर्गेस, आर शाह तथा अन्य, ई मारवर या एन एस हेनर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आर शाह एवं अन्य। यहाँ पे राइट है कि डेलिक्वेंसी एरियाज पुस्तक इन्होंने लिखा है। तो शाह और जोकरबर्ग, अन्य के जगह जोकर बर्ग हुए, जिनका नाम फ्रेडरिक मैकलुहर, जोकरबर्ग, मैके मैके, ज़्यादातर शाह और मैके का देता है साथ में। तो इन्होंने लिखा है डेलिक्वेंसी एरियाज और इन्हीं से संबंधित है एक डेलिक्वेंट बॉयज। अगला है पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे पुस्तक कौन के लेखक कौन है? पाल एरी एहरलिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस, लुइस ट्यूमा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन बॉम्बे जो है वह पाल एहरलिच से संबंधित है। अगला पुस्तक है होमो हायरार्किस पुस्तक किसने लिखी है? जी एस घुरिए, एन के बोस, एन के दत्ता या लुइस ट्यूमा। तो होमो हायरार्किस जो पुस्तक है वह लुइस ट्यूमो से संबंधित है। अगला है द न्यू सोशियोलॉजी इमेजिनेशन पुस्तक को किसने लिखा है? रॉबर्ट के मर्टन, सी डब्ल्यू मिल्स, स्टीव फुल्लर या बी पैरटो। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा स्टीव फुल्लर। और एक है पुस्तक सोशियोलॉजी इमेजिनेशन व मिल्स से संबंधित है। अगला, निम्नांकित में से सामाजिक विघटन की कौन सी विशेषताएं हैं? जटिलता, सार्वभौमिकता, अमूर्तता या विजातीयता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जटिलता, अमूर्तता एवं विजातीयता जो है सामाजिक घटनाओं की विशेषताओं में सम्मिलित किए जाते हैं। तो राइट आंसर सी होगा, जबकि सार्वभौमिकता न होकर स्थानीयता होती है इसकी विशेषता, कोई भी घटना स्थानीय गुणों के साथ जुड़ी हुई होती है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर यह सुमेलित है, द ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइनवी यह भी सुमेलित है, द होली फैमिली मैक्स वेबर का न होकर किसका है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यह सुमेलित नहीं है, द रिमेम्बर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। अगला है व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, आर.एम. मैकाइबर, एलेक्स इंकल्स या किंग्सले डेविस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एलेक्स इंकल्स जो है व्हाट इज सोशियोलॉजी के लेखक हैं। मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? भगवान दास, अरविंद, एम.के. गांधी या राधा कमल मुखर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान दास जो है वह मानव चक्र, सॉरी ह्यूमन सर्किल की बात कौन करते हैं? भगवान दास नहीं, अरविंदो। तो मानव चक्र या ह्यूमन सर्किल साइकिल की बात कौन करते हैं? अरविंदो। इसमें इन्होंने
इतिहास दर्शन, समाज दर्शन और संस्कृति दर्शन के विचार प्रस्तुत किए हैं, किस तरह मानव का चक्र चलता है। अगला है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? महान लोबिस, बी के आर वी राय, एम विश्वेश्वरैया या जी एल नंदा। तो राइट आंसर हो जाएगा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है ना, यह एम विश्वेश्वरैया से संबंधित है और 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो एम विश्वेश्वरैया का पूरा नाम है जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अगला है, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक का विचरण किसने किया है? मालिनोवस्की, टाइलर, एल ए वाइट, पी ए सोरोकिन। तो राइट आंसर हो जाएगा, द साइंस ऑफ कल्चर जो पुस्तक है वह लेस्ली वाइट से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इस पुस्तक के अंतर्गत जो है वह आदमियों की सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, लेस्ली वाइट। अगला है, सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है? आर के मर्टन, किंग्सले डेविस, आर बी रिस्टीट या टी पार्सन्स। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी, सोशल ऑर्डर जो पुस्तक है वह रॉबर्ट बी रिस्टीट से संबंधित है। अगला, कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी है? राधा कृष्णन, भगवान दास, एम के गांधी या विवेकानंद। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, कर्मयोग जो पुस्तक लिखी है वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है, जिसका प्रकाशन लगभग 1896 और 5 के बीच में हुआ था। कब? 1895 और 1906। और इसमें इन्होंने जो कर्मयोग है इस पे विवेकानंद जो भाषण दिए थे वही उसी पर आधारित है। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी थ्योरी एंड एक्शन अप्रोच पुस्तक का विचरण किसने किया है? बी आर सोरोकिन, टी पार्सन्स, बी डी त्रिपाठी या फिर ई वी टाइलर। तो एक्शन रिसर्च की के तहत नेचर ऑफ सोशियोलॉजी जानने का प्रयास बी डी त्रिपाठी जी करते हैं। इनका पूरा नाम है बंसीधर त्रिपाठी। अगला है, प्रभु जात की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी किस पुस्तक में आई थी? द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, होमो हायरार्किस, द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज या कास्ट डोमिनेंस ए फंक्शनलिज्म। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी होगा, एम एन श्रीनिवास के द्वारा जो है प्रभु जात की चर्चा की गई थी। इन्होंने द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज में सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था और इसके तहत इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन भी किया था। अगला, मॉडर्नाइजेशन सॉरी मॉडर्न सोशियोलॉजी थ्योरी एन इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेकर एंड बॉस्कॉफ, बी एस कोहन, एम एफ एम अब्राहम या एन एस टिमाशेप। तो मॉडर्न सोशियोलॉजी जो थ्योरी इन इंट्रोडक्शन पुस्तक है वह अब्राहम से संबंधित है, फ्रांसीसी अब्राहम। अगला, निम्नांकित में से किसने हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉसरोड शीर्षक से पुस्तक लिखी है? ए आर देसाई, के एम पड़कर, के एम पकाड़िया या एम एस गोरे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पड़कर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉसरोड। और इनकी अनु पुस्तक जो है, जो प्रमुख पुस्तक है इसमें, द सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द 20th सेंचुरी, कास्ट एंड डेमोक्रेसी एंड एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो है के एम पड़कर की जो है प्रमुख पुस्तक है जो कि पूछ लिया जाता है। अगला है, द हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, सेम वही आंसर क्वेश्चन है, तो के एम पड़कर। अगला है, निम्नांकित में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक कौन है? बोगार्ट, वेस्टर मार्क, गिलिंग एंड गिलिंग, के एम कपाड़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वेस्टर मार्क ने ह्यूमन मैरिज अर्थात
मानवों के साथ विवाह के संदर्भ में अपने इस लेख को या पुस्तक को प्रकाशित किया था, जिसमें इन्होंने कहा है कि पुरुषों की यौन संतुष्टि ही विवाह का कारण है और यह एक विवाह को सभी समाजों में पाया पूर्व समाजों में पाया जाने वाला विवाह मानते हैं कि शुरुआत से ही एक ही विवाही समाज होते थे, ऐसा इनका मानना था। अगला है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? के एस सिंह, आई कर्वे, वेस्टर मार्क, एम एस शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वेस्टर मार्क। अगला है, किसने सोशियोलॉजी इमेजिनेशन पुस्तक लिखी है? टी पार्सन्स, सी डब्ल्यू मिल्स, के मर्टन या किंग्सले डेविस। तो राइट आंसर भी हो जाएगा सी डब्ल्यू मिल्स से संबंधित है सोशियोलॉजी इमेजिनेशन, और यहीं द न्यू कर देंगे तो वह हो गया स्टीव फुलर। इसके अलावा इन्होंने द पावर एलीट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ह्यूमन सोसाइटी और वाइट कॉलर जैसी पुस्तकें जो है सी डब्ल्यू मिल्स से संबंधित हैं। अगला है, यह भी द सोशियोलॉजी इमेजिनेशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाए मिल्स। अगला है, इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? सी डब्ल्यू मिल्स, किंग्सले डेविस, एच स्पेंसर या पीटर बर्जर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, पीटर एल बर्जर जो है वह इनविटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? जॉर्ज लुंडबर्ग, विलियम जे गुडे और पी एफ हार्ट, पी बी यंग, कार्ल पियर्सन या सुसलर। सुसलर, तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम जे गुडे और हार्ट। गुडे और हार्ट के द्वारा मेथड इन सोशल रिसर्च लिखा गया है। यह पी एफ हार्ट की जगह पी के हार्ट होगा, पॉल के हार्ट। सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन है? एपी बर्नास, आंद्रे वेतई, किंग्सले डेविड या डेविड जी मेंडल बाम। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा डेविड जी मेंडल बाम जो है सोसाइटी इन इंडिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू लॉ कस्टम के लेखक कौन है? एस सी दुबे, जे डी मेन, लिंटन या इवांस पिचार्ट। तो राइट आंसर होगा जे डी मेन के द्वारा हिंदू लॉ सिस्टम कस्टम लिखा गया है। अगला है, पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण द्वारा, विवेकानंद द्वारा या अरविंद द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा लाइफ डिवाइन की चर्चा जो करते हैं वह अरविंदो है, सॉरी कौन है? अरविंदो। अगला, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज नामक पुस्तक लिखी है? आर के मुखर्जी, टी पी मुखर्जी, पी सी जोशी या नेहरू। तो इंडियन विलेज नामक पुस्तक जो लिखी है वह खास करके एस सी दुबे ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वह गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, तो हम कौन किसना यह कहीं कहीं एन इंडियन विलेज लिखेगा, कहीं कहीं इंडियन विलेज, तो यह है एस सी दुबे। श्यामाचरण दुबे। अगला है, एस सी दुबे ने अपनी कृति एन इंडियन विलेज हेतु किस गांव का अध्ययन किया? रामपुरा, समीर पेट, रावतों की सादड़ी या छानू खेड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा एस सी दुबे ने अपनी पुस्तक में समीर पेट, वर्तमान में जो है तेलंगाना में है, का अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक जो है ज़्यादा पत्थर पूछी जाती है सी दुबे की, इंडियास चेंजिंग विलेज। अगला है, किसने समीर पेट नामक गांव का अध्ययन किया है? एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, जी एस गुरिया या मैकिम मेरियट। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एस सी दुबे द्वारा समीर पेट का अध्ययन किया गया है। अगला है,
ह्यूमन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? प्रतिमा कूपर या कपूर, प्रतिमा आस्थान, नीरा देसाई या किरण देवेंद्र? तो राइट आंसर हो जाएगा नीरा देसाई। नीरा देसाई द्वारा जो है ह्यूमन इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला है, पॉजिटिव फिलासफी के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खी, अगस्त कामते या मैक्स वेबर? तो पॉजिटिव फिलासफी जो है कांट की पहली पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद की चर्चा की है। अगला है, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है? हीगल, मैक्स वेबर, एस एंजिल, पैटो? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था वह 1848 में आया था और इसके जो सह लेखक हैं वह एंजिल्स थे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।